हाय गाइस, मैं हूं सौरभ और आप सभी को एक नया वीडियो के साथ मैं इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है खास करके गांव के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेगा। तो गाइस यार, आप अगर गांव से रहते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा चीज़ का इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जो गाँव में मिट्टी का चूल्हा यूज करते हैं, आप कह सकते हो ये इसका एक अपग्रेड वर्सन है। दोस्तों, मेरे पिताजी ने इसको आज से 2 हफ्ते पहले इसको घर में लेके आया था, तो हम लोगों को किसी को भी इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा उम्मीदें नहीं था। लेकिन गाइस, हम लोग इसको 15 दिन यूज कर चुके हैं और इसका जो रिजल्ट हम लोगों को, मतलब हमारी फैमिली के सबको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया है। तो फिर इसलिए ही मैं इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर ग्रीन एनर्जी रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों, पैकेट में इस तरह का एक चूल्हा मिलता है और साथ में एक डीसी बल्ब, जैसे आप देख सकते हो ये जो डीसी बल्ब है, और एक एडाप्टर, इसको चार्ज करने के लिए एडाप्टर मिलता है, और इसके साथ एक सोलर पैनल भी आता है जैसे आप देख रहे हो। लेकिन हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारा सोलर पैनल है, इसीलिए पिताजी ने सोलर पैनल लेने के लिए मना कर दिया। ये मेरा सोलर पैनल है तो यहाँ पे हम लोग सोलर पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए ये जो चूल्हा कैसे काम करता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो चूल्हा है पूरा मेटल का बना हुआ है, और इसमें गाइस यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ इस तरह से हम लोग प्लेस करके इसको जला सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जो येलो कलर का स्विच देख रहे हो, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर है जिसका 3 मोड है, और इसको घुमा के हम लोग जो यहाँ पे आग जलने का स्पीड है उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक्चुअली इसके साथ, मतलब इसके नीचे एक ब्लोअर है, उसके साथ ये अटैच किया गया है। एक्चुअली ये ब्लोअर का जो स्पीड है इसको एडजस्ट करता है। तो मैं एक बार इसको पलट के दिखा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक लीवर टाइप का मेकनिज़म किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको खोल रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, लकड़ियाँ जलने के बाद जो खाक बनेगा ना वो इस तरफ से निकलेगा, लेकिन गाइस जब हम लोग इसको जलाएंगे, मतलब लकड़ियाँ जब जलेगा ये हमेशा बंद रहेगा। जब हम लोगों को ज़रूरत होगा निकालने के लिए तब हम लोग इसको खोल देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक हॉलो बार दिया गया है, और उसके साथ एक छोटा डीसी मोटर के साथ ब्लोअर को अटैच कर दिया गया है, और उसके साथ एक 6 वोल्ट का बैटरी को जोड़ दिया गया है। ये जो मोटर है गाइस बहुत ही छोटा है, मतलब इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है, और इसका 3 स्पीड है जैसे मैं पहले बताया था। एक्चुअली दोस्तों, इस जो रेगुलेटर है ये ब्लोअर का स्पीड को कंट्रोल करता है। ब्लोअर जितना फास्ट चलेगा आग उतना तेज़ जलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक जैक दिया गया है जिसमें हम लोग डीसी बल्ब को कनेक्ट करके इसको जला सकते हैं, जहाँ पे बिजली का सुविधा नहीं है या फिर रात में जब लोड शेडिंग हो जाएगा तब इसको हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। और उस सेम जैक में हम लोग जो चार्जिंग वाला जो एडाप्टर है उसको भी हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली घरेलू बिजली से ही चार्ज हो जाता है, ये एडाप्टर इसको चार्ज कर देता है। और इसी सेम जैक में हम लोग सोलर पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो गाइस, चलिए मैं एक बार इसको जला के, मतलब ये इसमें आग लगा के आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस चूल्हा को जलाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जो नीचे जो बल्ब टाइप का दिया गया है उसको बंद करना पड़ेगा, और इसका ब्लोअर भी बंद रहेगा, मतलब इसका जो रेगुलेटर है वो भी बंद रहेगा। और पहले हम लोग इसमें आग लगाएंगे, कुछ लकड़ियाँ इसके ऊपर देंगे, और उसके बाद हम लोग रेगुलेटर को ऑन करेंगे। चाहे लो स्पीड या फिर हाई स्पीड, आपको जितना ज़रूरत है उसी स्पीड में आप रेगुलेटर को ऑन करके रखिए। लेकिन दोस्तों, ये जो ब्लोअर है ये चलना मस्ट है, मतलब रेगुलेटर को आपको ऑन करना पड़ेगा वरना आग धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ब्लोअर को आपको चलाना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा बेनिफिट है। एक तो है, इसमें मिट्टी के चूल्हा में जितना लकड़ियाँ लगता है किसी भी चीज़ को पकाने के लिए उसका 30 या फिर 40% लकड़ी से इसमें काम बन जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। सेकंड जो है, इसमें धुआं बहुत ही ज़्यादा कम निकलता है। और थर्ड जो है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर दिया गया है ताकि आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आग को कम ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें आप लोग कोयला भी यूज कर सकते हो, जो भी चीज़ जल सकता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका प्राइस। दोस्तों, प्राइस बताने से पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूँ, ये कोई बड़ा ब्रांड या फिर कंपनी इसको अभी तक फिलहाल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है,
तो मेरे पिताजी ने इसको जहाँ से ख़रीदा था वो एक सेल्समैन था, और मुझे तो लगता है शायद कोई लोकल जो मैन्युफैक्चरर है वो शायद इसको बना रहा है। तो गाइस आप इसको घर में भी बना सकते हो, मतलब आप किसी गैरेज में जाके अगर ये वीडियो दिखाओगे तो वो लोग आसानी से इसको बना देगा, क्योंकि दोस्तों ये दिखने में इसका डिज़ाइन बहुत ही शानदार है और उसका इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब इसमें जो जो चीज़ लगा है आप इसको ऑनलाइन से मंगा सकते हो। ये जो ब्लोअर बैटरी वगैरह ये आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट से मिल जाएगा और आसानी से आप इसको बना सकते हो। इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा औसम है। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 2500 रुपया, लेकिन हम लोग सोलर पैनल लेने के लिए मना कर दिए इसलिए 500 रुपया का कम हुआ, तो हम लोगों को इसको 2000 रुपये में मिला है। और दोस्तों यहाँ पे ही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।